मेरा नाम डॉक्टर निहारिका सैनी है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं सर्वोदय में हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक तनाव, जैसे कि स्ट्रेस। कोविड-19 के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कई तरह की मानसिक बीमारियाँ अपने को घर कर रही हैं। अभी सब लोग जैसे कि 2-3 महीने से क्वारंटाइन में है, घरों में लॉक है, तो मोस्टली सबों के मन में एक टेंशन भी है, कोरोना का एक डर भी है कि आगे क्या होगा। लोगों में नॉर्मली डर होता जा रहा है कि पता नहीं हमारी हम हमको कुछ कोरोना तो नहीं हो जाएगा या फिर आगे क्या होगा। तो इस तरह की सोच कर मन में कई तरह की दुविधाएं या कई तरह की कंफ्यूजन मन में पैदा होती जा रही हैं। अभी जैसे कि कई लोग जो क्वारंटाइन में है, जिनको कुछ सिम्टम्स अगर आए हैं खांसी नॉर्मल बुखार जुकाम के, और अगर उन्होंने कुछ टेस्ट कराए हैं तो वो मोस्टली क्वारंटाइन में है या अपने फैमिली या उनकी फैमिली क्वारंटाइन में है, तो एक तरह का डर भी उन लोगों में बना हुआ है कि कितने दिन तक हमें घर पे रहना है, या फिर एक तरह की टेंशन कि पता नहीं क्या होगा। तो मेन है कि जब जितना हम ज़्यादा ज़्यादा गलत सोचते हैं, क्योंकि मन में कई तरह की गलत सोच आना शुरू हो जाती है जो कि भविष्य के प्रति होती है, मतलब फ्यूचर के लिए कि कल का हमें नहीं पता, लेकिन मन जो है कई तरह की बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा है फ्यूचर को लेकर। और जब फ्यूचर जब अपने दिमाग में आता है तो एक तरह तरह के डर पैदा होने लग जाते हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों के लिए लेकर, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, या अपने करियर को लेकर, या पास्ट में जो कंडीशन थी वो आप जो आपकी प्लानिंग थी वो चीज़ नहीं हो रही है, तो उसके कारण भी कई तरह के थॉट्स दिमाग में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वही सारे फियर्स के कारण होते हैं। क्योंकि जो ये मेंटल स्टेज होती है स्ट्रेस और एंजाइटी एंड डिप्रेशन की, एक हमारी एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। क्योंकि जब जब इंसान नेगेटिव सोचता है कि या फ्यूचर के लिए पास्ट की बातों में एक गलत एक माइंड में कन्फ्यूजन रहती है, परेशान रहता है, तो नेगेटिव सोचने से जो हमारे ब्रेन में केमिकल होते हैं उन केमिकल का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और उसी वजह से जैसे कि कई लोगों को कई लगता है कि हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाती है, या कुछ ऐसे सिचुएशन या पेनफुल सिचुएशन आती है या कोई स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन आती है तो उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग्स आना शुरू हो जाती है, गला ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी के लिए सूख रहा है, हमेशा सरदर्द रहने की शिकायत होना शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती है, भूख भी कम लगने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये एंजाइटी मतलब एक तनाव से शुरू हुई, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी और एंजाइटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। धीरे धीरे अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है तो और भी सही कई सारी की तरह डिप्रेशन की स्थिति आना शुरू हो जाती है, जैसे कि मन नहीं लगना किसी भी काम को लेकर, एक मन में हमेशा उदासी सी रहना, ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब लोग बेकार है, मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया, आगे कुछ नहीं बचा और आगे कुछ नहीं हो सकता, एक हेल्पलेस वाली स्थिति पैदा हो जाती है और इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है। और इस तरह से जो नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन जो कंडीशन आती है, सुसाइडल टेंडेंसी की भी कंडीशन आना शुरू हो जाती है कि कुछ भी नहीं बचा, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो जो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उससे हमारी एक मेंटल जो स्टेज है वो एक ख़राब होना शुरू हो जाती है। अभी जैसे कि मैं आपको इस पे फोकस करूँगी कि क्वारंटाइन में अगर हम है तो अपनी मेंटल स्टेज को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम है अभी कुछ नहीं कर सकते, जो कोरोना जो चल रहा है उसको लेकर बस अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसे अगर हम डरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ आपको मिलने लगेगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगेंगे। तो मेन है कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपनी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें कि बार बार अपने हैंड सैनिटाइज करें, और अगर बाहर भी आप निकल रहे हो तो अपना मास्क अपना कवर करके जाए, लोगों से 6 मीटर की जो डिस्टेंस है वो आप मेंटेन करिए। बाकी हमें से कोई कोरोना ऐसी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि हम इसे ठीक नहीं हो सकते, दिस इज एक वायरल इन्फेक्शन और बस उसमें हमें प्रोटेक्शंस रखनी है। अगर आप मन में डर की भावना पैदा होगी तो आप उस अगर आप कहीं बाहर भी हो तो एक आप होपलेस हो सकते हो, तो हमें डरना नहीं है। दूसरी चीज़ें ये है कि जैसे कि अगर कई लोगों में अगर कुछ सिम्टम्स भी है, अगर टेस्टिंग के बाद तो आप क्वारंटाइन में हो और घरों में लॉक भी हो, तो उस वक्त भी अपने आपको एकदम अकेला मत समझिए कि हाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की अगर मन में भावना आएगी तो आप अपना मोरल जो है डाउन करोगे और आपकी धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे तो मेंटल स्ट्रेस तो आ ही रहा है, साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी कम होना शुरू हो जाती है।
तो मेन है कि सबसे पहले आप अपने माइंड को ये सोचिए कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव थिंकिंग ही सब कुछ सही कर सकती है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे आप हैप्पी फील करोगे, और जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपको स्ट्रेस फील होगा। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि देखो ये सबके साथ ही है। हम इसमें ये है, अपने आप को अगर आप अकेला समझोगे तो सब कुछ ही बेकार लगने लगेगा। तो मेन है कि अपने आप, जैसे आप घर में भी हो कहीं, अगर रूम में या फैमिली अगर आपकी दूर भी है या कहीं हॉस्पिटल में भी आप हो, तो मेन मेरा रीज़न यही है बताने का कि आप अपने आप को बिजी रखिए। जैसे कि अपने फैमिली, जिन लोगों से आपकी बात नहीं होती है, जैसे फ्रेंड सर्किल है या कहीं आपने बहुत लंबे टाइम से किसी से बात नहीं करी, तो उनसे कनेक्ट होइए। क्योंकि सोशल लोग मीडिया से आप जैसे कनेक्ट होंगे तो आप भी एक चीयरफुल हो पाएंगे। तो लोगों से मतलब कनेक्ट होइए, उनसे बात करिए फ्री टाइम में, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है। जैसे कि आप कुछ भी, जैसे किसी को किताबें पढ़ने का शौक है, कुछ ड्राइंग करने का शौक है, तो कुछ भी क्रिएटिविटी आप उस फ्री टाइम में अपने आप को उसमें इंडल्ज कर सकते हैं। और जितना हो सके आप मतलब फ़ोन पे तो लगातार अपनी फैमिली से बात करते रहिए और अपनी एक्टिव, और मेन है खाने पीने का भी ध्यान आप रखिए, तो हेल्दी फूड आप खाइए। और जैसे कि पॉजिटिव्स रहने के लिए हम आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन भी आप करिए, योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, इस तरह की एक्सरसाइज आप घर में करिए। और कुछ अपने आप अगर अपने घर में ही हो तो बेसिकली आप जैसे नई नई आजकल लोग डिशेस ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आप ट्राई करो अपने लिए, है ना। और फिर मेन है कि आप कुछ भी, जैसे कि वीडियो पे आप यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिसमें आपका माइंड चीयरफुल हो सके। कुछ भी आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी। जैसे कि अगर आप बार बार सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स वगैरह आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रेस फील होगा, क्योंकि बार बार दिमाग में यही होगा कि कितने केसेस आ रहे हैं, न्यूज़ में क्या आ रहा है, तो उस वो भी आपको एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में ला देता है। तो आपको कुछ भी ऐसे सोशल मीडिया की चीज़ें नहीं देखनी है। तो आपको यूट्यूब पे आप जिस कॉमेडी की कुछ चीज़ें या मूवीज़ हैं या कुछ जिससे आपको अच्छा लगता हो, जो आप पहले जो काम करते थे उस तरह की चीज़ें आप करिए। आप अगर कोई, अगर आप ऑफिस के हो, मतलब आपका बिजनेस है, आप कोई किसी कंपनी में काम करते हो, आपका मतलब आप नॉर्मली आप मतलब इतना आप अपने आप को, आप अगर आपकी तबीयत ठीक है, बेटर है, तो आप उसमें भी अपने आप को बिजी रखो। ये मत सोचो मैं बीमार हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप को मोटिवेट करिए कि जितना आप काम कर सकते हो उतना आप काम करिए। बस मेन यही है कि इस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी कोई इतनी बड़ी बीमारी ही नहीं है कि हम अपने आप को डिप्रेशन या कई तरह के मेंटली स्ट्रेस में अपने आप को ले आए। और क्योंकि धीरे धीरे, जैसे कि अगर आप टेंशन क्रिएट करोगे तो और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ होती हैं वो भी होना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको एक बेसिकली एक, जैसे कि स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए एक एक्सरसाइज भी मैं आपको बता सकती हूँ, जो आप घर में बैठ के कर सकते हो। जैसे कि जब भी आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो तो आप घर में एकदम शांत कमरे में आप एकदम बैठ जाइए और डीप ब्रीथिंग आप करिए। जैसे कि जो हम करते हैं डीप ब्रीथिंग, वो उस पर फोकस करिए, और ब्रेथ के साथ आप अपनी जो आपकी लाइफ का सबसे सुंदर, जो प्लेजेंट वाला कोई सिचुएशन या माहौल रहा हो उसके बारे में सोचिए। वो 5 मिनट तक या 10 मिनट तक, जो भी आपकी मेमोरी का सबसे सुंदर जो पार्ट आपकी लाइफ में रहा है उसके बारे में आप सोचिए, तो देखना आपको कितना पॉजिटिव फील होगा। आप सारी टेंशन अपने आप में भूल जाएंगे कि मुझे कुछ भी है या मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो जब भी आप स्ट्रेस हो तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करिए, उससे आप पॉजिटिव रह पाएंगे। बाकी यही मेरा कहना है कि हम इतना जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि एक सोच पूरा दिन ख़राब कर सकती है, वही एक पॉजिटिव सोच आपका पूरा दिन अच्छा कर सकती है। तो मेन है कि COVID-19 में जितना हमारा मेंटली स्ट्रेस इफेक्ट हो रहा है उससे हम आपको रिलीव करना है। आगे हम ये बताना चाहेंगे कि जितना आप हो सकते हैं, एक तो फैमिली पे भी आप फोकस करिए, कि जैसे अगर किसी की फैमिली, अगर मान लो, ये तो मैंने आपके बारे में बताया कि आप अगर क्वारंटाइन में हैं, तो अगर फैमिली अगर क्वारंटाइन में है, अगर किसी की फैमिली को किसी तरह के सिम्टम्स इस तरह के कोरोना वायरस के आ गए हैं, तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में अगर खुद भी वरी रहोगे तो आपको भी मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। और फैमिली को मोटिवेट करने के लिए आपको करना है कि उनको, उनसे बात करिए फ़ोन पे और उनको पॉजिटिव रखिए कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, मतलब उनको
जैसे कि आप फोन के कनेक्ट के थ्रू कुछ ऐसी एक्टिविटी उनको शुरू कर दीजिए, और मतलब ताकि वो कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह देखें, कुछ ऐसी चीज़ें देखें और आपसे कनेक्ट हो सके, और उनसे मतलब आप मिल नहीं सकते लेकिन हम उनसे डिस्टेंस बनाकर थोड़ा मेंटेन रख कर उनसे बात कर सकते हैं। तो मतलब हमें भी उनको, आपको भी नहीं डरना और उनको भी इस तरह से मतलब लोनली नहीं फील करने देना। तो फैमिली के बारे में इतना वरी नहीं होना और ना ही फैमिली को ऐसा वरी करना है कि कोई इस तरह की कोई परेशानी वाली चीज़ें हो रही है। तो कोरोना वायरस के रहते हुए हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री रखना है और पॉजिटिव रहना है। एक एक्सरसाइज मैं और आपको बता सकती हूँ कि आप वो करिए कि जब जब आपको एक तरह का मेंटली स्ट्रेस हो रहा है तो एक तो आप मेन है कि जो आपका एक रूटीन शेड्यूल बनाइए। एक हाँ, एक सबसे मेन चीज़ होती है कि अपना टाइम शेड्यूल फॉलो करिए कि जैसे कि आपका पूरे दिन भर में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपके पास अगर टाइम शेड्यूल नहीं होगा तो आप उससे भी अपने आप को कि पूरा दिन, आज के दिन तो आपने अपने आप को बिजी रख लिया लेकिन अगले दिन आपका कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा आपका खाली रहेगा तो कोई नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। तो एक डायरी लीजिए, डायरी में आज के दिन मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप नोट करिए, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या यूजफुल चीज़ें हैं तो आप वो कर सकते हो। उससे आपका एक प्लान शेड्यूल सही होगा और आप अपनी इंजॉयफुल एक्टिविटी एक शेड्यूल के साथ आप कर पाएंगे। तो स्ट्रेस जो है कुछ ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, एक सिर्फ हमारी नेगेटिव थिंकिंग सोच विचार से ही पैदा होने वाली चीज़ें हैं जो नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही पैदा हो रही है। बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि हम इतना मेंटली स्ट्रेस अपने आप को ले सके, बस हमको पॉजिटिव रहना है। बी हैप्पी, बी स्टे एंड हैप्पी लाइफ।